हेलो दोस्तों, मोबाइल पर स्कूल चैनल पे आपका स्वागत है। और आप जो है 9 ये 24 मार्च को जो पेपर आने वाला है हिंदी का, उसके लिए आपके लिए ये 9 नंबर का वीडियो है। ठीक है, 9 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे और आप कायदे से इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए तो अच्छा ही रहेगा, आपके लिए 9 नंबर प्लस हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि ये क्लास 10th की हिंदी है, इसमें आप पढ़िए। और उसके बाद तो इसमें है उपसर्ग और प्रत्यय, समास, तत्सम और पर्यायवाची, ये सब जो है आपको हम बताने वाले हैं। इसमें से आप देख सकते हैं कि ये 3 नंबर का है उपसर्ग, जो कि 2010 और 2011, 12, 13, 14, 15 लगातार आया है, 21 तक आया है। बीच बीच में एक आध साल का गैपिंग है और ये संभावना भी पाई जा रही है कि इस बार आएगा, लमसम पक्का ही आएगा। तो इसी अंदाज से इसको हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे है, यह है अधिकार, अनाथ, ठीक है, उपसर्ग है। तो दूसरे में है जैसे अर्ध, ठीक, तो अर्ध का अधिकार होगा तो अधिभार हो जाएगा, अपराध का अपमान हो जाएगा। जैसे अनु है तो अनुभव का अनुसार हो जाएगा, उप है तो उपकार का उपयोग हो जाएगा। और उपयोग के बाद यह है उपकार और उपयोग, ठीक। तो इसमें जैसे सह है तो सहयोग और सहपाठी, अभि मतलब अभिमान, अभियोजन। और इसमें है परि, ठीक, तो परि में परिवार, परिश्रम, परिवार और परिश्रम दोनों हो जाएंगे। तो जैसे 9 पे है शु मतलब सुंदर, शुभ अवसर। और 10वें में है प्र मतलब प्रहार और प्रदीप। ये आप इतना कंप्लीट कर लोगे तो आपका 3 नंबर एकदम पक्का है, कोई काट ही नहीं सकता, ये 101% गारंटी है। इसमें से इस बार तो अवश्य आएगा, 2022 के पेपर में जरूर से जरूर आएगा। और जैसे अब आप आइए अगले में, प्रत्यय में। तो प्रत्यय आपका जो है इस ये भी कई बार आया है, जैसे 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 लगातार लगातार आया है। अब आप ध्यान दीजिए इस बात को, जो बार बार पेपर आता है उसकी संभावना और ज्यादा भी हो जाती है। जैसे ये 2 नंबर का एक प्रत्यय रहेगा, 2 नंबर में नंबर एक, जैसे आप आइए प्रत्यय को, आई, आई मतलब मिठाई, मतलब आई आना चाहिए, आई आ गया तो आई जत्वा तो लास्ट में जरूर होना, जैसे गुरुत्व, ठीक है। ता जैसे कविता। तो उसके बाद आता है पन, पन में बचपन। और हत है तो लड़खड़ाहत, लड़खड़ाहट है, लड़खड़ाहट। तो जैसे वट है, वट में मिलावट, मिलावट कर दीजिए, वट आ गया लास्ट में। आनी जैसे कहानी, इक जैसे प्राकृतिक, इक है ना, प्राकृतिक, प्राकृतिक हो गया इसमें। और इसमें जैसे मान, जैसे अपमान, किसी का अपमान कर दो, मान लास्ट में आता है अपमान। ये पूरा 5 मार्क का हो गया, 3 नंबर वो उपसर्ग का और 2 नंबर प्रत्यय का, तो दोनों मिला के 5 नंबर हो गए आपके। तो आपका ये 2 नंबर का है तत्सम। तत्सम जो है ये जैसे तत्सम है, जैसे नंबर एक गेहूं, गेहूं का क्या हो जाएगा, गोधूम, ठीक है, गोधूम। और हल्दी का हरिद्रा, हल्दी का हरिद्रा होगा। बेल का बल्ली हो जाएगा, जैसे बेल है बल्ली हो जाएगा। इसको आप अपने हिसाब से भी ठीक से, अगर आपको याद रहेगा, याद भी नहीं भी है अगर एक बार तो आप बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। जैसे 2 नंबर है, 2 नंबर पक्का ही पक्का रहेगा। जैसे प्यारा, प्यारा मतलब प्रेमी। और 5वें में है जैसे अभी अमीय मतलब अमृत, अमीय का अमृत। जैसे काजल है, काजल का कज्जल, काजल का कज्जल हो जाएगा। और 7वें नंबर पे है ओठ, ओठ का ओष्ठ। और जैसे आंख है, आंख का आच्छी, आंख का आच्छी। और आग है, आग का अग्नि। और मानुष, मानुष का मनुष्य, मतलब एकदम शुद्ध बोला गया है इधर। जैसे तत्सम से बदलना होता है तो एकदम सेम ऐसा ही रहेगा। और आप अभी 2 नंबर और ले लीजिए, जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं, पर्यायवाची में है जैसे यह है पर्यायवाची शब्द, ये भी 2 नंबर का रहेगा। जैसे हाथी का पर्यायवाची क्या होगा, गज, दंती, दोनों होगा। आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन 2 अंक लिख दिए तो बहुत है, 2-3 बहुत है, पहली बार तो 2 ही बहुत है। और 2 नंबर का है तो 2 अंक है बहुत है। अब आ जाइए अग्नि, अग्नि का आग, पावक, ज्वाला। और जैसे आकाश का आसमान, नभ, ठीक है, आंख का नेत्र और नयन। और जैसे बादल है, बादल का है नीरद और मेघ। तो आप जो है इसको कायदे से पढ़िए, मोबाइल पर स्कूल चैनल पे अच्छे अच्छे वीडियो डाले जाते हैं और ये आपकी तैयारी कराई जाती है, तब
ताकि आप अच्छे नंबर से मार्क ला पाए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ज्यादा नहीं, अगर आप 4 से 5 घंटा पर डे पढ़ते हैं आप, तो आप वास्तव में 90+ आपका अंक आना ही आना है। राइटिंग ठीक होनी चाहिए बस। अगर राइटिंग गड़बड़ है तो थोड़ा बहुत नंबर उसमें कट जाते हैं, 2-4-5 नंबर पूरे मार्क्स में कट जाते हैं। तो आप राइटिंग पे भी विशेष ध्यान दीजिएगा और पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। 2-4 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का समय निश्चित तौर से आप दीजिएगा। जैसे जल है, पानी है, नीर है, जल का पानी हुआ, नीर हुआ, हवा है तो अनिल है, पवन है तो आज से हवा का अनिल हुआ और पवन हुआ, से तालाब का जलाशय, सरोवर, और जैसे नारी का, नारी आप जानते हैं, नारी का प्रावाची मालूम ही होगा, जैसे महिला है, महिला और रमजी दोनों कहा जाएगा। जैसे जंगल है, विविन, वन, कानन, ठीक है। तो ये दो 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 अंक की प्रावाची ये आपको जरूर आएगी और इसको आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा पढ़ाई में। और ये आपका पेपर जो हो रहा है 24 मार्च को आएगा, इस पे आप बहुत अच्छे से आप अब लग जाइए, घूमे टहलिए कम, कहीं घूमना टहलना नाते रिश्तेदारी बहुत कम अटेंड कीजिए, इसलिए कि आपका भविष्य बनने वाला है, आप अपना भविष्य बना लो। पिछले बार बोर्ड का पेपर नहीं हुआ था, इस बार बोर्ड का पेपर हुआ रहा, आप बहुत लकी हो, इसलिए आप मोबाइल पर स्कूल चैनल पे अच्छे अच्छे वीडियो पढ़ते रहते हैं, इसको आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।